हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज चैप्टर 12 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 12 कर रहे थे दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सरसाइज 12.1 में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और चैप्टर 12 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था और जितना भी एग्जांपल क्वेश्चन था वो भी सारा आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर 12 का एग्जांपल क्वेश्चन और एक्सरसाइज 12.1 अच्छे से सीखना है तो आपको उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने उसको प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1, चैप्टर रिवीजन, चैप्टर 2, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 8, मैंने आप लोगों को इन सभी चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन और हर एक एग्जांपल क्वेश्चन वो सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और इन सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी समझा दिया, ठीक है। तो अगर आपको सारा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन पार्ट का और जितना भी एक्सरसाइज क्वेश्चन और जितना भी एग्जाम्पल क्वेश्चन है वो अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट करता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। एक क्लॉक का जो मिनट का काटा है उसका जो लेंथ है वो आपको 14 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो ये सपोज क्लॉक हो गया और ये 12, ये सपोज ये कितना होता है दैट इज 12 और यहाँ पे 6, 3, 9, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। अब मान लेते हैं जो मिनट वाला काटा है वो यहाँ पे 1 पे, ठीक है। मिनट वाला काटा 1 पे। अब ये मिनट वाला जो काटा है इसका लेंथ जो दिया है आपको कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस कितना बताएगा, गिवन रेडियस बताएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो ये जो मिनट वाला काटा है ये जब 5 मिनट करेगा तो 5 मिनट कब होगा, जब ये 1 से 2 पे जाएगा, ठीक है। तो जब ये 1 से 2 पे जाएगा तब इसका क्या होगा, 5 मिनट। तो ये इतना एरिया कवर किया ये आपको निकालना है, ये वाला। तो ये एक टाइप का क्या बनाना, सेक्टर बनाना, ठीक है। तो हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको मिनट, आपको यहां पे मिनट का जो डंडा था, ठीक है, उसका जो लेंथ था वो कितना दिया था, 14 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि 5 मिनट में ये जो काटा है जब 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास रेडियस तो है लेकिन मुझे एंगल चाहिए, थीटा एंगल, ठीक है। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को ये फाइंड करना पड़ेगा कि एक मिनट में कितना डिग्री एंगल बनता है, तभी हम लोग 5 मिनट का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो मिनट वाला काटा टोटल एंगल सर्कल में कितना बनाता है, दैट इज 1 आवर या 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 360। बिकॉज यहां से जब स्टार्ट करेगा यहां पे वापस आ जाएगा तब क्या होगा, 60 मिनट, ठीक है ना। तो 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हियर 60 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री, है ना। 60 मिनट में कितना एंगल होता है, 360, ठीक है। तो अगर मैं 1 मिनट निकालू 1 मिनट का, तो ये 60 का जाएगा नीचे, तो 360 डिग्री बाय 60, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल और 60 से 36, ये कितना क्या, 1 मिनट इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट में कितना एंगल आ गया, 60 डिग्री। अब मैं 5 मिनट का निकालता हूं, ठीक है। 5 मिनट इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 60 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना एंगल बन गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आ गया थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, तो देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड
मिनट हैंड इन 5 मिनट। ये किस आएगा, ये किससे इक्वल होगा, ये आपका सेक्टर बना रहा है, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे हम लोग इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला दैट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कितना है, तो थीटा का वैल्यू मैंने 35 किया, तो ये थीटा का वैल्यू आप लोग यहां रिप्लेस करोगे 30, और नीचे कितना 360। अब यहां पे आपको पाई का वैल्यू दिया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग पाई का वैल्यू क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू। अब रेडियस आर का स्क्वायर कितना दिया है, आर का स्क्वायर मतलब आर का वैल्यू 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 14 को हम लोग दो बार भी लिख सकते हैं, तो 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग काटते हैं इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 × 14 ये कैंसिल, तो क्या बचा 3/2, ऊपर क्या बचा 3 × 22 × 2, और नीचे क्या बचा 36, ठीक है ना। अब यहां पे इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 × 3 × 3 × 6 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां पे ये बोला इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसको और काट सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, दैट इज 44, और नीचे कितना होगा 2, ठीक है। अब इसको और एक बात, यहाँ पे आपका 14 ही बचा हुआ, ठीक है, यहाँ पे 14, तो इनटू यहाँ पे क्या होगा 14। तो इसका अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसको हम लोग काट सकते हैं 4 का टेबल, तो 4 × 3 = 12 एंड 4 × 11 = 42, ठीक है। तो ये कितना आएगा, दैट इज 11 × 14, 4 × 1 = 4, 1 × 1 = 4, 1 = 4, 5 = 1, 154/3, ठीक है। तो ये आपका एरिया किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये किसमें दिया था, एरिया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका, दैट मीन्स ये जो मिनट हैंड है, ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगा, 154/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इतना मिनट, इतना एरिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको लिखना कैसे मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको ये पार्ट लिखना है और इसके नीचे आपको ये लिखना है, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।